ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉसेक्स। हाँ भाई, किसी का आंसर आया? क्या आंसर आया? एलडीएन ही या जीरो? कितने लोगों के पास में, कितने लोगों ने करा ये, कितने लोगों ने करा और आंसर पता ही नहीं है मैं पूछ रहा हूँ तो? अच्छा देखिए, सब कॉसेक्स की बात चलेगी तो कॉसेक्स का ग्राफ ऐसा होगा। मैंने कल आपको बता देता कि ग्रेटेस्ट इंटीजर पे जब भी ट्रिगो फंक्शन होगा आपको ग्राफ जरूर ड्रॉ करना है। तो अगर बाय द वे आप जीरो पे खड़े हैं तो जीरो यहाँ है, ठीक, जीरो पे आपका वन है। लेकिन आपको ये तो पता ही होगा कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो का मतलब होता है एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो आप जीरो पे तो नहीं है। तो जीरो से ज़रा सा भी इधर और इधर होता ही, आपके इसमें दोनों वैल्यू जो भी आएंगी वो एक से कम आएंगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक तो सिर्फ जीरो पर है। तो आपके पास में एल एच एल और आर एच एल दोनों वैल्यूज एक से कम, ठीक है ना? इट इज ऑल्सो लेस देन वन एंड इट इज ऑल्सो लेस देन वन, दोनों वैल्यूज आर लेस देन वन, इसका मतलब ये भी जीरो और ये भी जीरो, सही है? तो आपका आंसर जीरो आ गया। अच्छा, अगला लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स, श्योर हैं आप? इस समय जब आप साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा बनेगा, ये जीरो है। अगर आप जीरो से ज़रा सा भी इधर गए तो जीरो से बड़े हो जाएंगे, जीरो पर जीरो हैं। जीरो से ज़रा सा इधर जाते ही आपकी वैल्यू जीरो से बड़ी आ गई, जीरो से ज़रा सा इधर जाते ही ये जीरो माइनस एच है, ये जीरो प्लस एच है, राइट है? तो जीरो माइनस एच पर आपकी जो भी वैल्यू आ रही है वो जीरो से कम आ रही है, और जीरो प्लस एच पर जो भी वैल्यू आ रही है वो जीरो से ज़्यादा। तो मतलब ये कि एल एच एल वैल्यू लेस देन जीरो, ठीक है ना, और ये वैल्यू इज़ ग्रेटर देन जीरो, और अगर जीरो से बड़ी है तो जीरो पर आएगी और ये माइनस वन आएगी। तो इसलिए आप कह सकते हो कि दोनों वैल्यूज आर नॉट सेम, इसलिए एल डी एन, राइट है? अच्छा, अगला क्वेश्चन था लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ही दे दिया था क्या मैंने? ये मजा नहीं आया। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देखिए साहब ये थोड़ी बहुत आपको हैबिट बनानी पड़ेगी कि ये जो कुछ भी लिखा है ये रूट टू इंटू में साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर लिखा है, ये आपको ट्रिगो में सिखा दिया जाएगा, है ना? ट्रिगो में ये चीज़ सिखा दिया है कि तो परेशान मत होना, है ना? इसके अंदर ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट रूट टू का डिवाइड करने पे ही आ जाएगा। तो आपके पास में ये बन गया, जब आपको इसको ग्राफ बनाने को मिलेगा तो आपको ये तो पता चल ही गया कि ग्राफ तो साइन का बनेगा और वन तक न जाके रूट टू तक जाएगा, क्योंकि रूट टू टाइम्स हो गया। एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई फोर से शुरू होगा, तो माइनस पाई बाई फोर यहाँ होता है, अगर माइनस पाई बाई फोर से शुरू होगा तो ये यहाँ तक जाएगा ऐसे, राइट है? आप अगर जीरो पर रखेंगे ना तो जीरो रखते ही वन हो जाएगा, देखिएगा। तो मतलब आपका जीरो पे वैल्यू कितनी आ रही है? वन आ रही है। लेकिन आपको जीरो पे थोड़ी नहीं चाहिए, जीरो से लेफ्ट और जीरो से राइट चाहिए। तो जीरो से लेफ्ट जाते ही एक से कम और जीरो से राइट जाते ही एक से ज़्यादा हो जाती है, दिख रहा है आपको? इट इज जीरो प्लस एच, इट इज जीरो माइनस एच, राइट है? तो आपको पता चलेगा आपकी दो जो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है ना, जब आप जीरो पे खेलेंगे तो एक तो वैल्यू आ रही है लेस देन वन, ये तो एल एच एल आ रहा है लेस देन वन, सही है, और इधर से आ रहा है ग्रेटर देन वन। जो भी एक से बड़ा होगा वो एक पे आके रुकेगा, एक से छोटा होता है जीरो। तो दोनों वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं, इसलिए आप कहोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कहानी पकड़ में आ गई आपको, है ना? ये दो बातें आप जरूर पकड़ के चलें, बहुत ही काम की चीज़ है, ठीक है ना? एक और क्वेश्चन भी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो मैंने आपको दे रखा था लिमिट एक्सटेंस टू ए, यहाँ पे दिया था मैंने वन अपॉन में एक्स माइनस ए टू द पावर टू एन प्लस वन, जहाँ एन अपने आप में इंटीजर या नेचुरल नंबर जो भी है ना, तो ये ऑड क्रिएट कर रहा था, इसकी वजह से ये फंक्शन चोर फंक्शन है। चोर फंक्शन होने की वजह से मेरे पास दो चॉइस हैं, एक बार मैं ए माइनस एच रखूँ और एक बार मैं ए प्लस एच रखूँ। अगर मैंने ए माइनस एच रख दिया तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स की जगह ए माइनस एच माइनस ए की पावर टू एन प्लस वन, राइट है? और अगर मैंने a प्लस एच रख दिया तो ये हो जाएगा a प्लस एच माइनस ए अपॉन की होल पावर कितना 2n प्लस वन, ए कैंसिल आउट हो गया, a कैंसिल आउट हो गया। देखिए ये माइनस बार छोड़ेगा, क्यों? क्योंकि पावर ऑड है, तो ये माइनस वन अपॉन एच की पावर ऑड है, राइट है? और ये वन अपॉन एच की पावर ऑड है, देख लिया आपने? h की जगह आगे पीछे आपको जीरो रखनी है, जीरो रखते हैं जीरो की पावर कुछ भी जीरो ही होगा, तो वन अपॉन जीरो इन्फिनिट बनेगा, लेकिन ये माइनस इन्फिनिट बनेगा और ये प्लस इन्फिनिट बनेगा, राइट है ना? एच की जगह जीरो रखने पे तो ये माइनस इन्फिनिट प्लस इन्फिनिट है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट है? ऐसे चलेगा खेल।
फिलहाल एक काम की चीज तो ये हो ही गई, अपना एक क्वेश्चन का आंसर तो जीरो आ गया, आपने बताया था जो लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो कॉस एक्स है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये अपना रिजल्ट है ना। अच्छा, इसके भी आप पे बनने वाले क्वेश्चंस में कहाँ फायदा होता है वो बताता हूँ आपको। फायदा यह होता है क्वेश्चन ऐसे थोड़ी ना देगा, कोई क्वेश्चन तो ऐसे देगा लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो साइन के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस एक्स अपॉन वन प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस एक्स, ऐसे देगा वो क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर उसे देना होगा तो वो कुछ हद तक ऐसे देगा। अब आपको यहाँ ये सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया तो लिमिट अंदर जाएगी फंक्शन के, साइन के अंदर जाएगी, लिमिट जो होगी साइन के अंदर जाएगी, सही है ना। सुनो सुनो सुनो, ठीक है ना, ये बात आपको जो मैं कह रहा हूँ वो सुनना है ना, इसको बहुत ध्यान से सुनना है। लिमिट अंदर जाएगी, साइन के अंदर जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर रुक जाएगी। भाई नहीं आया समझ में, मुझे वो हरकत करनी पड़ गई जो नहीं करनी थी मुझे, लेकिन आपको समझाने के लिए तीन बार आपने नो किया मेरे को, ठीक है ना। तो लिमिट साइन के अंदर जाएगी, ये बात अब मेरे को आपको इसलिए बतानी है क्योंकि मेरे को आपको ये बताना है कि लिमिट एफ ओ जी के अंदर जाती है। ये एफ ओ जी है, एफ ओ जी जैसे किसी ने साइन एक्स में से एक्स को निकाल लिया और ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस एक्स लगा दिया है, बात समझ में आ रही है आपको। तो एफ ओ जी के अंदर जाती है लिमिट, एफ ओ जी के अंदर जाती है लिमिट, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर में नहीं जाएगी क्योंकि वैसे जाने की जरूरत ही नहीं है, अपने पास ये आंसर ऑलरेडी जीरो है। तो इसलिए ये बन जाएगा साइन जीरो अपॉन वन प्लस जीरो, इसका अंदर जीरो अपॉन वन बोले तो जीरो, आंसर जीरो हो गया। खानी पकड़ में आई या नहीं आई? हाँ, लिमिट अंदर एक्ट करेगी, लिमिट अंदर जाती है, मॉड के अंदर जाती है, एफ ओ जी के अंदर जाती है, ई की पावर में जाती है, एफ एक्स की पावर जी एक्स में दोनों जगह जाती है, ठीक है ना। सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन पार्ट में नहीं जाती, ठीक है ना, या ऐसे पॉइंट्स में जहाँ पे मामला अनडिफाइंड हो रहा होता है वहाँ नहीं जाती, बाकी सब जगह जाती है लिमिट, है ना। ध्यान से एक एक बात समझते चलना, कहानी थोड़ी थोड़ी पकड़ में आई है ना, मैं आपको जानबूझ करके अलग अलग तरह की स्टोरीज बताता चल रहा हूँ। हो गया आपसे ये, एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ भाई। अगला पॉइंट बहुत ही काम का है, अगले ने मांगा ही लिमिट एक्सटेंड्स टू वन माइनस और वन प्लस है, अगर मांगता नहीं भी मान लो तो भी मैं आपको बताता हूँ मेरे जाने का रास्ता यही था, ठीक है। क्यों? क्योंकि कहानी में मॉड है, मॉड याद आ गया आपको? हाँ, मॉड मुझे आकर्षित करता है एल एच एल आर एच एल के लिए, याद आ गया आपको? हाँ, वो छह फंक्शन ध्यान तो है ना आपको, कौन कौन से हैं? बोल तो लिए ना सारे, ये कभी कोई रह गया? हाँ, डिफाइंड फंक्शन किसी ने नहीं बोला है ना। चलो कोई बात नहीं, अब इस पे दिमाग लगाओ। देखिए इसमें पहली बात, पहले में अगले ने मांगा लिमिट एक्सटेंड्स टू वन माइनस और एफ एक्स की जगह कौन, यही आएगा, सही है। तो मैं तो एक बार एफ एक्स लिख रहा हूँ और फिर मैं सीधे चालू हो रहा हूँ, एक्स की जगह मैं दुनिया को बता रहा हूँ वन माइनस एच रख रहा हूँ। अगर मैंने 1 माइनस एच रख लिया तो 1 माइनस एक्स की जगह 1 माइनस एच, सोच लिया आपने, इस एक्स की जगह, इसी आगे ब्रैकेट में, इसी के साथ मल्टीप्लाई वाले ब्रैकेट में 1 माइनस मॉड में 1 माइनस एच, 1 माइनस 1 माइनस एच, ये पूरा खेल है ना
बॉड मास रूल का है। बॉड मास रूल जानते हैं हम, ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एड सब्ट्रैक्शन का जो ऑर्डर है उसका, अगर आपने इनमें गड़बड़ कर दी है ना, तो आपने कोई चीटिंग करी है जो क्लास सेकंड के बच्चे तक नहीं करते, ठीक है, क्योंकि वहीं पढ़ा जाता है ये बॉन्ड मास रूल। ये इनटू के अंदर कितना कॉस, ब्रैकेट के अंदर कितना, वन अपॉन वन माइनस एच, ऐसा करते हैं, सही है। अब देखिए ये तो पक्का है कि आप इससे काटने वाले हैं, लेकिन ऐसा मत कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये पहले मल्टीप्लाई होगा, नहीं है, हाँ। अब देखो जरा इसके अंदर देखते हैं, वन माइनस वन ये तो कट ही गया, बचा कितना एच, एच पॉजिटिव या नेगेटिव, खुद एच पॉजिटिव क्वांटिटी या नेगेटिव, कल बता दी ना पॉजिटिव, पॉजिटिव तो मॉड की जरूरत ही नहीं है, तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, वन माइनस एच ओनली, सही है, और ऑलरेडी कौन है, वन माइनस एच, सही है, वन माइनस एच अपॉन, नीचे से वन वन फिर कट गया, एच रह गया ओनली एच, इंटू के अंदर कॉस में कितना रह गया, वन बाई एच, सही है। अच्छा अब यहाँ पे है ना, पहले मन में आता है बच्चे के कि सर पहले मल्टीप्लाई करूँ या एच की जगह जीरो रख दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये तो सबको पता चली गया, वन माइनस एच का स्क्वायर बन जाएगा, वन माइनस एच का स्क्वायर खोल भी दूँ तो वन माइनस टू एच प्लस एच स्क्वायर, सोच लिया, अपॉन में कितना एच, इंटू में कितना कॉस, ब्रैकेट में वन बाई एच, वन वन काट दूँ, एच कॉमन आ गया, कॉमन आ करके भी कट गया, क्या रह गया मार्केट में, माइनस टू प्लस एच ये रह गया, और फिर मल्टीप्लाई में कौन है, कॉस वन बाई एच, और एच की जगह मुझे क्या रखना है, जीरो, एच की जगह जीरो रखते ही कॉस इन्फाइनेट हो जाएगा, सही है, और एच की जगह जीरो रखते माइनस टू, अब क्या कॉस इन्फाइनेट कैसा होता है, कॉस इन्फाइनेट का मतलब होता है पढ़ते कैसे इसे, कॉस एट इन्फाइनेट, कॉस इन्फाइनेट, इन्फाइनेट माने इन्फाइनेट में जाके कॉस कैसा होगा, कॉस जैसे ही होगा, अरे इन्फाइनेट में जाके कॉस कैसा होगा, कॉस जैसे ही होगा, लेकिन हमें पता नहीं ना इन्फाइनेट पे कहाँ होगा, लेकिन होगा माइनस वन से वन में, तो हम लोग कॉस इन्फाइनेट का मतलब समझते हैं एनी वैल्यू बिटवीन माइनस वन टू वन, सही है, मैं इस बात को लिख देता हूँ, एनी वैल्यू बिटवीन माइनस वन टू वन, क्या ये बात समझ में आ गई, माइनस वन से वन के बीच में कितनी वैल्यूज होती हैं, इन्फाइनेट, तो बाहर माइनस टू बैठा है तो उससे मल्टीप्लाई हो गया, इन्फाइनेट वैल्यूज आने वाली हैं, और मैंने तो कल आपको बता दिया था दो आंसर भी आ गए, तो अभी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, याद है ना, मल्टीपल आंसर्स नॉट अलाउड, तो याद है ना, मल्टीपल आंसर्स नॉट अलाउड, सही है, तो अपन यहाँ पे ये क्या क्या मना कर दें, क्या मना करना बताओ, क्या अच्छा उसके कारण फर्क पड़ रहा है क्या, टू माइनस एच है, लो अच्छा ये टू माइनस एच, सही है, मना कर दें इसको, नहीं है, मल्टीपल आंसर्स नॉट अलाउड, तो क्या बोलो, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू वन माइनस एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं है ये पकड़ में। अब आ जाते हैं अपन किस पे बात करते हैं, बी पे, बी पार्ट क्या कहता है भाई, लिमिट एक्सटेंड्स टू वन प्लस एफ एक्स ले लूँ, ये कंपेरेटिवली फास्ट हो जाएगा, क्योंकि हम सबको अब आइडिया हो गया कि एक्स की जगह मुझे वन प्लस एच रखना है, आओ जल्दी से इसमें रखते हैं, यहाँ हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो वन माइनस ब्रैकेट में वन प्लस एच, इधर वाले ब्रैकेट के अंदर वन माइनस मॉड में कितना वन प्लस एच, सोच लिया, अपॉन में नीचे कितना वन माइनस वन प्लस एच, ठीक है, इंटू में कितना कॉस ब्रैकेट में वन अपॉन वन माइनस वन प्लस एच, श्योर। अब इधर देखिए दिमाग लगाते हैं, वन प्लस छोटी सी भी क्वांटिटी पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव, इसको मॉड की जरूरत नहीं है, मॉड से बाहर आएगा एज इट इज आएगा, वन वन कट जाएगा, माइनस एच रह जाएगा, सोच लिया आपने, माइनस एच इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या है यहाँ पे, अच्छा एक और वन भी है, अच्छा सॉरी ये वन माइनस वन प्लस एच, और अच्छे से करते हैं इसको, राइट है, ऐसा है ना, नहीं ऐसा ही है ना, एक वन में मिस कर गया था, ये कह रहे हैं कि वन वन कट जाएगा पहले तो, है ना, वन वन काट दूँ, माइनस एच रह गया, माइनस एच का मॉड एच, माइनस एच का मॉड एच, तो ये वन माइनस एच हो गया, वन माइनस एच इन टू दिस वन माइनस एच स्क्वायर, तो इट इज वन माइनस एच स्क्वायर, अपॉन में नीचे वन वन फिर कट गया, मॉड एच का एच नहीं है, अच्छा इस वन से वन फिर कट गया,
पिंटू के अंदर कॉस बेचारा फिर से वही माइनस वन बाई एच लेके बैठा है, लेकिन माइनस तो प्लस हो जाता है ना अपना, तो एच की जगह जीरो रखने पे ये कॉस इन्फिनिट बन रहा है, फिर से बन रहा है, लेकिन तब तक ये कटकुटा करके एच बैठा है, और आपको तो पता ही होगा एच की जगह मुझे क्या रखना है, जीरो, तो जीरो से मल्टीप्लाई कर दे पूरी पार्टी, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, जीरो, क्योंकि उसका आंसर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरह के क्वेश्चंस आर वेरी क्लोज टू आईटी पेपर है, आईटी के पेपर में कोई ऐसा बहुत भयंकर क्वेश्चन नहीं आता, वो तो देखा हुआ है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है ना। आइए इसे भी तोड़ते हैं, ठीक है, किसी का आंसर आया, चलो देखते हैं। देखिए सब क्वेश्चन में जैसा क्वेश्चन है आप ये समझें, ये कह रहे फंक्शन के अंदर, एक्स है, फंक्शन के अंदर एक्स है ना, अगर एक्स जो है वो जीरो से बड़ा है तो पी बोल रहे हैं, नहीं है, अरे फंक्शन में कौन है और एक्स कैसा है, जीरो प्लस है ना, तो ये अगर जीरो से बड़ा फंक्शन के अंदर जाए तो पी बोलना है, और फंक्शन के अंदर अगर जीरो छोटा दिख रहा है तो माई क्यू बोलना है, बट दैट्स इट, बात खत्म है। अगर आप ये बात नहीं समझ पाए तो नहीं आएगा, और अगर ये बात समझ में आ गई इतनी बकवास मत बोल रहा है कि अगर अंदर जीरो से बड़ा दिखे तो पी बोल, अगर छोटा दिखे तो क्यू बोल। अब यहाँ दिमाग लगा भाई, आप जीरो के आसपास खड़े हो, आप जीरो के आसपास खड़े हो, जीरो प्लस हो चाहे जीरो माइनस हो, दोनों ही केसेस में जीरो के आसपास होता है। जीरो के आसपास की दुनिया ऐसी दुनिया होती है जहां पर डिग्री बढ़ाने पर कम होता है, जैसे मैं आपको बताऊं 0.5 है ना, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो 0.25 होगा, उल्टा कम हो गया, स्क्वायर करने पर कम होता है, नहीं पता आपको ये बात, तो जीरो के आसपास स्क्वायर करने पर कम होता है, तो यहाँ तो बेचारे ने क्यूब कर दिया और कम हो गया, नहीं आया समझ में, आपका एक्स पॉजिटिव था, एच था, अगर ये एच था तो आप अंदर ही अंदर एच का क्यूब माइनस एच देख रहे हो, और आपको पता होना चाहिए एच क्यूब छोटा होता है भाई एच से, एच तो फ्रैक्शनल पार्ट है, मतलब कुछ छोटी सी संख्या है, जीरो और वन के बीच का कोई नंबर है, और मैंने बताया ये वो इलाका है जहाँ पर डिग्री बढ़ने पर कम आता है, तो एच क्यूब विल बी लेस देन एच, ये छोटा ये बड़ा, छोटे में से बड़ा गया नेगेटिव या पॉजिटिव, अगर अंदर नेगेटिव दिख गया तो क्या बोलने का था, क्यू, तो आंसर इज क्यू, इसीलिए ये ऑप्शन सही हो गया, नहीं है। अब जरा अगले वाले पे फिर दिमाग लगाओ, जीरो माइनस एच है, जीरो माइनस एच है, तो यहां पे जैसे ही माइनस एच रखोगे तो ये माइनस एच का क्यूब हो जाएगा, नहीं है, और यहां माइनस एच की जगह प्लस एच हो जाएगा। अब आप फिर दिमाग लगाओ कौन बड़ा, फाइनली क्या बचेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, अच्छा ये तो इसमें तो कोई एरर तो नहीं है ना, ये बात तो आपके पकड़ में आ गई कि दोनों के अंदर एच ही बड़ा है भाई, क्यूब होने पे तो छोटा हो गया, तो एच में से एच क्यूब गया, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, अंदर वाला पॉजिटिव तो क्या बोलना था, पी, तो पी बोला तो है, तो बॉम्बे भी सही हो गया, नहीं है,
अब आते हैं इसके नीचे वाले पे, रेडी? अब देखो जरा सोच के बोलना, क्या जीरो प्लस है कि जीरो माइनस? अंदर क्या लूं, एच या माइनस एच? एच। तो यहाँ क्या लिखूं बोलो? एच का स्क्वायर माइनस एच की पावर फोर। बड़ा कौन? बड़ा कौन? एच स्क्वायर। तो मैं ये कह सकता हूँ एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन एच की पावर फोर, तो ये बड़ा ये छोटा, बड़े में से छोटा घटाओगे तो पॉजिटिव या नेगेटिव? क्या बोलने का है? पी। तो होना चाहिए था पी, बोल रहा है क्यू, तो गलत कर दो। सही है, अगले पे आ जाओ, अगले पे फिर आ जाओ, रेडी? अब क्या रखना है, एच या माइनस एच? माइनस एच, लेकिन माइनस एच का स्क्वायर, एच स्क्वायर, और ये एच की पावर फोर, बड़ा कौन? एच स्क्वायर की एच की पावर फोर। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो क्या आना चाहिए था? पी। तो ये सही है ना, इसका मतलब ए बी डी। एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 8 फ्रैक्शनल पार्ट x, ठीक है ना, लिमिट एक्सटेंड्स टू 8 फ्रैक्शनल पार्ट x, चलता रहो, ये यहां तक की बात समझ में आ गई ना आपको, है ना? चलिए देखिए, फ्रैक्शनल पार्ट x से मैं आकर्षित होऊंगा ऑटोमेटिकली LHL RHL पे, तो जैसे ही मैं LHL लिखूंगा, LHL लिखते ही मुझे x की जगह 8 माइनस h डालना है, RHL के टाइम पे मुझे x की जगह 8 प्लस h डालना है, ठीक है ना? तो मैं यहाँ फ्रैक्शन पार्ट में x की जगह 8 माइनस h डाल रहा हूँ और यहाँ पे 8 प्लस h डाल रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, मुड़ते ही मुझे पता चला ये माइनस h रह गया, पता नहीं क्या हुआ, और ये भी h रह गया, पता नहीं क्या हुआ, कोई बताएगा क्या हुआ? खा गया, याद आ गया आपको? और h का अभी लिमिट अंदर नहीं जा सकती, तो पहले ही बाहर क्या आएगा? 1 माइनस h, गुड। और ये h, अब लिमिट लगेगी, अब जैसे ही लिमिट लगेगी h टेंस टू 0, ये क्या बन गया? 0। और ये 1 माइनस 0, क्योंकि लिमिट h टेंस टू 0 पर। सही आंसर कितना आया? 1। LHL RHL के बराबर नहीं आया, तो LHL काफी नीचे से जाकर के मैंने बॉल उठाई है, ठीक है? उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे, है ना? मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कहानी क्या थी। फ्रैक्शनल पार्ट अच्छा खासा चल रहा था ऐसे, ये आप यहां पहुंचे, ये 8 है, ठीक है? ये फ्रैक्शनल पार्ट x है। जैसे ही आप यहां पे पहुंचोगे तो इसका मतलब समझाता हूं। RHL का मतलब 8 प्लस h, आप यहां खड़े हो, यहां दिख रहा है आपको, ये जगह 8 प्लस h है और ये जगह 8 माइनस h है। 8 माइनस h पे आप यहां खड़े हो, इट इज 1। 8 माइनस h पे 1 आ रहा है और 8 प्लस h पे आप कहां खड़े हो? ऑलमोस्ट 0, इसलिए आपका 0 आ रहा है। तो ये गैप इज इनटॉलरेबल, याद है ना, लिमिट ऑफ टॉलरेंस डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना? अगले बात, अगला क्वेश्चन आप कर देना, छोटा सा ही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। करिए, तो LHL RHL करना है या नहीं करना? हाँ हाँ, ओनली RHL करना है, करिए। जरा देखिएगा, मुझे x की जगह सिर्फ 2 प्लस h रखना है। अगर मुझे x की जगह 2 प्लस h रखना है तो ये 2 प्लस h हो गया, सही है? साइन के अंदर 2 प्लस h माइनस 2, ये कट गया, अपॉन में नीचे
टू प्लस एच माइनस टू, ये सिर्फ 13 के बच्चे को दे सकता हूँ मैं ये क्वेश्चन, बाकियों को नहीं दे सकता। ये 2 प्लस एच है, आपको पता 2 खा गया मार्केट में, एच एच का एच ही रह गया, इंटू में यहाँ रह गया साइन एच अपॉन एच का स्क्वायर, ये कटा ये कटा, और ये साइन एच बाई एच लिमिट एच टेंस टू जीरो होने की वजह से 1 हुआ, सही है नहीं? हाँ, क्योंकि मैं अभी तो एकदम, अगर ये 12th का बच्चा होता तो पहले ये समझाना पड़ता ना मुझे कि साइन एच बाई एच 1 होता है नहीं, तो मेरी फाइट तो वहीं रह जाती। उसके कारण क्या होता है ना, हम लोग आगे पीछे का क्वेश्चन नहीं दे सकते आज के टाइम में, मुझे पता है ये क्वेश्चन अगर भाई मैं साइन एच बाई एच में रखूंगा तो हल्का पड़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करके बताइए। कॉट इनवर्स में है ना भाई, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो माइनस, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन को तो फुल स्पीड में खींचा करें। एक्स की जगह जीरो माइनस एच पक्का करा, सही है, एक्स की जगह जीरो माइनस एच रखते ही कॉट इनवर्स में क्या रह गया, फ्रैक्शनल पार्ट में जीरो माइनस एच मतलब माइनस एच, कॉट में क्या रह गया माइनस एच। अब आप बताइए कि माइनस एच का फ्रैक्शनल पार्ट का 1 माइनस एच मल्टीप्लाइड बाई कॉट 1 माइनस एच, सही है ना भाई, और कॉट इनवर्स और लिमिट अंदर जाएगी भाई, लिमिट अगर अंदर गई तो आपको पता है लिमिट एच टेंस टू जीरो पर ये 1 हो जाएगा, तो इट विल बी कॉट इनवर्स 1 इंटू कॉट 1, और 1 इंटू कॉट 1 इज कॉट इनवर्स कॉट 1, और कॉट इनवर्स कॉट 1 इज 1 बेसिकली, नहीं याद आया, कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज एक्स 0 से पाई बाई 2 तक, 0 से पाई तक, याद आ गया आपको, तो फिर ये तो 1 तो उसके लिमिट में आता ही है। अरे रह गया क्या, अरे तो बहुत स्लो चल रहा है, चलो अगले पे जाओ, तब तक दूसरा क्वेश्चन राइट है। लिमिट एक्सटेंस टू जीरो प्लस टेन स्क्वायर ब्रैकेट में दे रखा है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स अपॉन में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, चलिए करिए। आ गया, मिला लेते हैं ना अपन, देखो x की जगह 0 प्लस h, मैंने h एक तरह से, तो आपको तो पता होगा ये बन जाएगा tan स्क्वायर फ्रैक्शनल पार्ट h, सही है भाई, अपॉन में h स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर h का स्क्वायर, लिमिट x टेंस टू 0 चलेगी चलेगी, तब तक आपको पता होना चाहिए ये जो h ग्रेटेस्ट इंटीजर में बेसिकली 0 प्लस h है, 0 प्लस h होना मतलब 0 से ज़रा सा बड़ा, 0 से ज़रा सा भी बढ़ेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो, और जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, तो तब तक ये ऊपर वाला टेन स्क्वायर एच बन चुका है अपॉन में एच स्क्वायर माइनस जीरो हो गया, इसका अंदर टेन एच बाई एच का स्क्वायर बोले तो वन का स्क्वायर बोले तो वन, याद है ना टेन एच अपॉन एच इज वन, नहीं याद आया, तो टेन एक्स अपॉन एक्स इज वन साइन एक्स अपॉन एक्स इज वन, कहानी है लॉक को तीर यहाँ तक है ना। अब मैं आपको हाँ कहाँ पे उसको नीचे ले जाके या उसको नीचे ले जाके, यू ये आने वाले टाइम में ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर अपन एक और बात भी सीखेंगे कि सिर्फ सेम बाय सेम नहीं होना चाहिए, जीरो और जीरो भी दिखना चाहिए, वो जीरो नहीं दिख रहा, वो टेन वन अपॉन वन बन रहा है, टेन वन अपॉन वन बन रहा है ना। अच्छा खैर फिलहाल अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ, रेडी अगला क्वेश्चन, ठीक है दोबारा दिमाग लगाना। लिमिट एक्सटेंस टू जीरो प्लस एक्स बाई ए इंटू बी बाई एक्स, करिए आंसर बी बाई ए है, आंसर बी बाई ए है, अगर आंसर चाहिए तो पहले बता दो, दूर दूर तक नहीं है ना, छोड़ो देखो एक्स की जगह क्या आ गया जीरो प्लस एच, लेकिन आप दुखी तो नहीं हो ना कम से कम, अब आप तो ये तो कह सकते हो मार्केट के अंदर कि नहीं यार ऐसा तो इतने बुरे नहीं है अपन, ठीक है बी बाई एच हो गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो चल रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में पहला तरीका जो मैं बता रहा हूँ वो तो बिल्कुल सिंपल है, कोई भी सोच सकता है, हालांकि कुछ लोग इसे मतलब आने वाले टाइम में सैंडविच मतलब लॉ पढ़ेंगे अपन, ठीक है सैंडविच करो उससे भी करा जा सकता है, लेकिन वो तो इतनी बर्बाद है ना, मतलब इस जगह पे तो ज़बरदस्ती लगाते हैं लोग, मतलब झांकी दिखाने के लिए कोई मतलब नहीं है। एच भाई ये सिंपल ब्रैकेट है, सिंपल ब्रैकेट मैं ऐसे कर ही लेता हूँ सिंपल, ठीक है ना। बी बाई एच को मैं लिखता हूँ बी बाई एच
माइनस फ्रैक्शनल पार्ट बी बाई एच, हाँ है ना। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई खोलता हूँ, तो मल्टीप्लाई खोलते बी बाई ए तो ठीक है, ये तो समझ में, अरे इसको मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा एच बाई ए इंटू फ्रैक्शनल पार्ट में कितना बी बाई एच, यही तो होगा। अच्छा आपको पता है कि फ्रैक्शन पार्ट वाला कितना भी फुदक ले, कोई भी महान से महान आदमी आ जाए, ठीक है, ये जीरो से वन के बीच में रहना है। अरे नहीं याद आया, इट हैज टू लिव विद इन जीरो टू वन, याद आया ना, ये तो जीरो से वन में रहेगा। अच्छा ये लिमिट के लगते ही ये तो जीरो सरक लिया, तो जीरो इंटू एनी वैल्यू बिटवीन जीरो टू वन दैट इज जीरो, तब तक आपको बदल गया बी बाई ए माइनस जीरो, बोले तो आंसर कितना आ गया, कहानी पकड़ में आई है ना। लेकिन अपन इस रास्ते से नहीं जाएंगे, अपन एक और नया रास्ता भी सीखना चाहते हैं इसी जगह पे, मेरे को एक चीज़ और सिखानी है ना, वो चीज़ ये सिखानी है, कल मेरे मुंह से भी निकला था, आपने ध्यान नहीं दिया था। मैंने कहा था ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैसे हम लोग एल एच एल आर एच एल करते हैं, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि अगर आप देखो जरा इंडिकेटिव वैल्यू ले लो, अगर आपने जीरो रख दिया तो आपको पता है एनीथिंग डिवाइड बाई जीरो इज इन्फिनिट, और इन्फिनिट में प्लस एच और माइनस एच नहीं करते, कल बताया था मैंने आपको, याद है इन्फिनिट, क्योंकि मैंने कहा था ना फिर आप अगर आप पहले आदमी हो जाओगे जो इन्फिनिट में प्लस एच और माइनस एच कर ही आया है ना, पहला आदमी कोई बनना नहीं चाहता पत्नी, ठीक है, ठीक है ना। हाँ देख लो आप ट्राई कर लो, मैं मतलब बन जाना बोले मेरे कोई तकलीफ नहीं है ना, ये कहानी पकड़ में आ गया आपको, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये अपन इस जगह पर तो ये बेवकूफ़ी कतई नहीं करेंगे, क्या बेवकूफ़ी कतई नहीं करेंगे कि इन्फिनिट प्लस एच इन्फिनिट माइनस एच करें, तो फिर क्या करें इस जगह पर, है ना। ये बहुत सिंपल सा रूल है जो बहुत काम आता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफिनिट होने पर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बिल्कुल एक्स ही होता है, क्योंकि हम इनफिनिट प्लस एच करो या इनफिनिट माइनस एच करो इनफिनिट ही तो बाहर आना है, नहीं है इनफिनिट ही तो बाहर आना है, इंटीजर इनफिनिट आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या हो जाएगा, होगा तो इनफिनिट ही ना, इट हैज टू बी अ वेरी लार्ज वैल्यू। तो इसलिए क्या करते हैं ना लोग ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, जैसे ही देखते हैं ना कि अच्छा क्वेश्चन ही है, खट से एक बारी में बात खत्म करते हैं, लिमिट एक्सटेंड टू जीरो प्लस देखा उन्होंने, ठीक है, उन्हें पता है एक्स बाई ए और यहाँ पे दे रखा है बी बाई एक्स, और उन्हें ये समझ में आ गया कि जीरो रखते ये इन्फिनिट टेंडिंग इन्फिनिट है, याद है टेंडिंग टू इन्फिनिट, तो तुरंत बाहर निकाल लेते हैं, क्या था भाई ऐसे ही कैसे बाहर आ जाओ, बी बाई एक्स बाहर आया अत ही उड़ाया आंसर बी बाई ए बताया, कहानी पकड़ में आ गया आपको, नहीं है अगले बार चलेंगे। हाँ भाई चले आगे, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है भाई। अब एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ थोड़ा सा आगे जा करके, क्योंकि ये सही टाइम है, मैं चीज़ों को रखता चला जाऊँ बहुत सारी, ठीक है ना, हर टाइटल के साथ एक फंडा, सुबह से शायद मेरा ना नकल कोई काम का पहला फंडा आया है कि जब मैं आपको बताया हूँ कि लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिट होने पर आपको एज इट इज़ बाहर निकालना है ना। एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिट है ना, यहाँ दे रखा लॉग एक्स टू द पावर एन, माइनस में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, अपॉन में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है ना। ये क्या है, मेंस में है वो क्वेश्चन है, अभी शीट में शायद है अभी भी है ना, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, इसमें भी अगर ध्यान से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन के दौरान बच्चा है ना, बच्चे से मेंस वाले ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात पूछी, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिट और ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा रहा है, दिख रहा है आपको, तो जिसे फंडा आता है वो तो यहाँ बचा जाएगा, वरना ना तो आपको सैंडविच रूल मदद करता है ना कोई और मदद करता है, आप देखते रहते हो बस आप इसे, ठीक है ना। अगर जिन्हें पता है वो तो जानते हैं अगले लाइन में अपने को तो सिंपल गेम खेलना है, माइनस एक्स अपॉन एक्स, फोकट की एक बात नहीं करनी, पहला काम खत्म, ये काम खत्म होते ही आपको पता है एक्स का डिवाइड अलग अलग लगा दे भाई, अगर आपने अलग अलग डिवाइड लगा दिया तो इट इज एन लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स, ये हो गया, माइनस में इट इज वन, वन तो लिमिट की सर्कमफेरेंस ही बाहर चला गया, वन का तो कोई रोल ही नहीं बचा, एन को भी अपन आपको तो बाहर बुला लें, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिट सिर्फ किस पे लगने वाला है, इस पे लॉग एक्स बाई एक्स पे। अब यहाँ कैसे लगेगा वो सोचने की बात है, करने के दो तरीके हैं, ठीक है ना। पहला तरीका तो बहुत काम की चीज, यही डालने के लिए मैंने क्वेश्चन उठाया, एक्स की जगह अगर मैं इन्फिनिट रखता हूँ तो ये लॉग इन्फिनिट होगा, आपको पता होना चाहिए लॉग इन्फिनिट लॉग एट इन्फिनिट, लॉग एट इन्फिनिट। अब आप में से जिसको लॉग का पता है उसको पता है लॉग का ग्राफ ऐसा, इन्फिनिट यहाँ होता है, लॉग इन्फिनिट पे कहाँ है, इन्फिनिट पे, ऑलमोस्ट इन्फिनिट पे है ना, तो ये इन्फिनिट पे खुद कैसा है, इन्फिनिट, नीचे वाला एक्स भी इट इज इन्फिनिट बाई इन्फिनिट, याद ये रखना है कि इन्फिनिट बाई इन्फिनिट हो या जीरो बाई जीरो, क्या बोला मैंने,
इन्फिनिट बाई इन्फिनिट या जीरो बाई जीरो, हम लोग लॉपिटल रूल लगाते हैं। कौन सा रूल लगाते हैं? लॉपिटल। तो लॉपिटल को मैं प्यार से डीएल बोलता हूँ, इसका पूरा नाम डीएल लॉपिटल है, ठीक है ना। ये डीएल हॉस्पिटल है बेसिकली, इसमें एच और ओ मिक्स होता है, फ्रेंच वर्ड है ना, ठीक है। तो लॉपिटल है बेसिकली, है ना। तो अब कहानी क्या है कि अगर लॉपिटल लगाते तो इसमें करते क्या है, लॉपिटल में क्या करते हैं ना, ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर, नीचे का नीचे करते हैं, और डिफरेंशिएशन करने का तो फिर लिमिट लगाते हैं। मान लो आंसर आ गया तो ठीक, अगर फिर से इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई तो फिर लॉपिटल लगाते हैं। और कब तक लगा सकते हैं? एन टाइम्स लगा सकते हैं, जब तक आंसर नहीं आया, ठीक है ना। अच्छा करना क्या है, वापस बताओ, करना क्या है लॉपिटल में, क्या करते हैं? अरे ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, और फिर दोबारा लिमिट अप्लाई करें। तो खैर फिलहाल अभी लॉपिटल लगाने पे log x का डिफरेंशिएशन कितना? 1 by x, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफिनिट 1 by x। अच्छा और x का भूल गया मैं, 1, तो लिखूं या नहीं लिखूं? लिख ही लेते हैं बाद में, नहीं तो लगेगा कहाँ रह गया वो, ठीक है, ये रह गया। अब आपको तो पता ही होगा मेरे को x की जगह क्या रखना है, इनफिनिट, तो इट विल बी 1 by इनफिनिट माइनस 1, फाइनली इट इज माइनस 1, ऐसा लिख दूं, तो आंसर इज माइनस 1। कहानी पकड़ में आ गई, है ना। अब मैं एक फंडे के साथ दूसरे फंडे पे आ गया, मैंने आपको अभी से ही सिखाना चालू कर दिया कि जीरो बाई जीरो और इन्फिनिट में इन्फिनिट पे वी यूज लॉपिटल। हालांकि वो टाइटल में अलग लगाऊंगा, लेकिन विदाउट टाइटल भी मैं बहुत बार चलता रहूंगा। क्यों? क्योंकि पेपर में कोई किसी से ये नहीं पूछता कि क्या मेथड लगा, है ना, बस सीधा आंसर देखते हैं लोग कि आंसर सही है इसका, तो सही लगा होगा, ठीक है। एक मिनट, देख लिया हमने, हाँ। अच्छा मैं आपको कह रहा था इसमें दूसरा तरीका भी है, वो ही बता देता हूँ। अच्छा मान लो सर मेरे को वहाँ स्ट्राइक नहीं करा, या ऐसा मतलब वैसे तो ये बिल्कुल ही बेहुदा क्वेश्चन है कि मेरे को स्ट्राइक नहीं करा, स्ट्राइक नहीं करा तो मतलब फिर क्या कर सकते हैं, फिर गेम ही स्ट्राइक करने का था, है ना, तो गेम की आत्मा ही खत्म करी है, तो मैं क्या बोलूँ इसमें, ठीक है ना। तो अगर गौर से देखा तो दूसरा तरीका क्या था वो बताता हूँ। देखिए इसमें दूसरा तरीका ये है कि x तो इन्फिनिट पे भाग रहा है, लेकिन आपने अगर कभी याद हो तो मैंने कई बार बोला भी है लॉग बूढ़ा फंक्शन है, याद है आपको, मैंने बोला था बूढ़ा फंक्शन है, याद है आपको, है ना। आपको पता है लॉग 10 1 होता है, 100 2 होता है ना, और 1000 3 होता है। आप 10 से बढ़ते बढ़ते 1000 आ गए हो, अगला सिर्फ 3 तक पहुंचा है। अगर आप लॉग 10000 भी ले जाओगे, या फिर मान लो आपने अगर मान लो 1 करोड़ भी ले गए ना, तो इट इज हार्डली 7, मतलब आप सोचो 10 से बढ़ते बढ़ते आप 1 करोड़ तक आ गए, ये साथ ही बढ़ा बेचारा, सही है ना। तो अगर मान लो 10 टू द बार 26 भी लगा दिया किसी ने, 10 टू द बार 26 पे ये ओनली 26 है, समझ गए ना। आप सोचो 10 टू द बार 26 में दो दर्जन से दो जीरो ज्यादा होते हैं, इतनी बड़ी वैल्यू रखने पे भी ये हार्डली 26 बोल रहा है। तो सोचो इन्फिनिट पे ये जो इन्फिनिट दे रहा है वो कितना स्लो इन्फिनिट है, सोच रहे हैं आप, ये जो इन्फिनिट दे रहा होगा कितना स्लो इन्फिनिट दे रहा होगा, इसका मतलब अंदर जाने वाली वैल्यू जो है ना वो लार्ज 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 बहुत लार्ज हो चुकी है। सोचो इसके मुंह से इन्फिनिट निकल रहा है ना, मैंने सोचो 10 टू द बार 26 रखा तब इसके मुंह से 26 निकला है, नहीं है, तो कितनी बड़ी वैल्यू नीचे जा चुकी होगी x के नाम पर, और log x के नाम पर इन्फिनिट आया बहुत दुर्बल सा, समझ रहे ना। तो आपको पता चल गया कि ऊपर वाला इज वेरी स्मॉलर एंड नीचे वाला बहुत बड़ा है, तो आंसर विल बी जीरो, इसीलिए जीरो आना भी गलत नहीं है, ठीक है। इट इज इन्फाइनिट के रेस्पेक्ट में ये वन है, मतलब यूं भी समझ सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी सोच सकते थे। एनीवे अगले बात हो, ठीक है, दो फंडे हो गए मेरे। अच्छा दो फंडों के बाद में अगले फंडे पे बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू में दिया जा रहा है tan स्क्वायर फ्रैक्शनल पार्ट x अपॉन में x स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, और यहां दिया जा रहा है cot इनवर्स ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट x इनटू में cot फ्रैक्शनल पार्ट x, सही है, व्हेन x इज लेस देन 0। अगला कह रहा है फाइंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 fx,
आप अगर ढंग से देखें तो क्वेश्चन में अगले ने सिर्फ मांगा है लिमिट एक्सटेंड टू जीरो एफ एक्स, लेकिन मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि ये जो फंक्शन है ना, ये यहां तक है, और इस तरह के फंक्शन को कहते हैं डिफाइंड फंक्शन, क्योंकि डिफाइंड हुआ है। इसे उल्टे से पढ़ते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपका एक्स पॉजिटिव है तो इसे पकड़ें, अगर आपका एक्स जीरो है तो इसे पकड़ें, अगर आपका एक्स नेगेटिव है तो इसे पकड़ें। बात समझ में आई आपको? तो डिफाइंड है ना, मैंने आपको पहले ही बोला था वेज वाले इधर नॉन वेज वाले इधर, नहीं बताया है ना? तो बिल्कुल वही वाली तो बात है, पॉजिटिव वाले इधर आए नेगेटिव वाले इधर आए, तो आपको पता है लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो अगर फंक्शन डिफाइंड है। अगर फंक्शन कैसा है? डिफाइंड है। तो मैं सिर्फ दो काम करूंगा, LHL और RHL। LHL लिखते ही आपको पता है, मैं जैसे ही LHL लिखूंगा, LHL लिखते ही मेरे को क्या पता चलेगा, LHL लिखते ही मुझे पता चलेगा लिमिट एक्सटेंड टू जीरो माइनस, ये बात सही है? और मैं फंक्शन में पकड़ूंगा, यही होगा ना भाई? कौन सा वाला? थर्ड फंक्शन कौन सा है? कॉट इनवर्स जो कुछ भी है ना भाई। अच्छा, और RHL के टाइम पे मैं कैसे पकड़ूंगा? लिमिट एक्सटेंड टू जीरो प्लस, और जीरो प्लस माने जीरो से बड़ा, माने वही टेन स्क्वायर एंड सो ऑन, जो भी होगा। लेकिन हमारे को ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी शायद ये वाला क्वेश्चन सॉल्व है, इससे पहले वाला भी सॉल्व है, तो इसका आंसर भी वन है और उसका आंसर भी वन था। क्या आपके बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये कि मैंने ये पहले ही सॉल्व करवा लिया, बट मैं दो फंक्शन को मर्ज करा करके आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि ऐसे भी डिफाइंड फंक्शन होगा। अगर डिफाइंड होता, मान लो ये बिल्कुल फ्रेश कोई डिफाइंड फंक्शन होता, तो आपको ये सब सॉल्व करना पड़ता, और सॉल्व करने में जो आप इसको देखते ही भाग जाते थे ना, अगर ये क्वेश्चन होता 100% कई बच्चे भाग जाते है ना, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि इसके आगे वो ये दो लाइनें खुद सोचे। लेकिन जब मैंने अलग अलग करके दिया तो बहुत प्यार से कईयों ने आंसर निकाला, सही है ना? और मैं ये बात है ना, मतलब उस टाइम नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ है ना, कि आप क्या करते हो एग्जैक्टली, आप करते क्या हो पता है ना, आप स्टार्ट नहीं लेते हो, स्टार्ट ही नहीं लेते हो, क्योंकि आप क्या करते हो ना, आपने अपनी जिंदगी में सारी चीजें ना साइज के हिसाब से मैटर कर रखी हैं, ठीक है ना? तीन उंगली से बड़ा क्वेश्चन है अपने काम का नहीं। यार ये क्या तरीका है, हाँ ये क्या है, मतलब आप अगर भाई ये इसको आप कभी तो हटाओगे ना नहीं, तो आप जैसे देखोगे ना, आपको इतना बड़ा क्वेश्चन है, नहीं मेरे नहीं है, मेरे से नहीं पूछ रहा, किसी और से पूछ रहा हूँ, ठीक है? अरे यार तू आराम से कर सकता है, थोड़ा खुद को तो पहचान थोड़ा। अभी अभी आप में से कईयों ने एक क्वेश्चन करे ना, जब मैं आपको छुप कर देता गया कि नहीं नहीं देखो आप कर सकते थे, ठीक है ना? तो अपने खुद ने एक आंसर निकाला, तो बस अपने को करना क्या है? तो मेरे लिए फाइनली इसका भी वन, इसका वन, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो, थोड़ी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाइए भैया, है ना? शेर अगर गीदड़ों के समूह में रहे ना, तो है ना, उस दिन तक ही वो हुआ करता है, एक दिन उसको पता चल ही जाता है कि नहीं साहब शायद मेरी आवाज तो डिफरेंट है, ठीक है ना? हाँ, तो आपको पहचानो खुद को। हाँ भाई चलें, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। हाँ जी साहब, देख लिया आपने ये क्वेश्चन है ना? अगला क्वेश्चन, ये हटा दें इस सब इधर का, है ना? हाँ जी साहब, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया कि ये देख लो, अब आप है ना, पहले मैंने आपको थोड़ा चमका लिया, ठीक है?
अब आप देखिए ऐसी कौन सी चीज है ना जो अपने मतलब थ्योरी से बाहर है ना, बात अगर थ्योरी से हो तो मतलब बाहर हो तो अपना भागना मतलब उचित है, लेकिन अगर आपकी थ्योरी में आ रही है और आपको याद ही नहीं आ रहा तो मतलब आप गलत कर रहे हैं ना, फिर तो आपने सोचा ही नहीं कि मैं क्या समझाया था आपको। आपको GOFOG माने इन तीन इन दो फंक्शंस का 3 times यूज करना है। अब चलते हैं हमारा रेडी। देखिए साहब सबसे पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ एक्स के नाम पे जो 3 minus है ना ये कॉन्टेक्ट में इसके आएगा, तो जैसे ही इसमें आएगा तो 3 minus मुझे यहाँ लिख लेना चाहिए। मैंने आपको कहा था लिमिट अंदर जाती है FOG के, कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन आप फिर भूल गए। ठीक है, आपने क्या सोचा होगा कि अपने को GOFOG निकालना होगा इसका, सही है? उसमें तो आप भूत बन जाओगे आप जिस दिन वो निकालना पड़ गया इसका, तो 100% यहां 3 minus पे आ जाओ, जी में 3 minus एच गया, ठीक है ना? हाँ भाई, अगर 3 minus में गया तो 3 minus माने 3 से कम, राइट है? हाँ ये चलेगा, कुछ तकलीफ नहीं है ना। ये अगर भाई देवे हटा भी दूं तो मैं आपको कम सुनाई देगा, लेकिन चलो है ना, चलो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। 3 minus हो गया, अब आप जी में चलिए, GX ये रहा, 3 minus कहाँ है? 3 से कम, थर्ड पॉइंट पे। अरे 3 से कम मैं किस में जाऊँगा? इसमें जाऊँगा ना, 3 कहाँ होगा? 2 से 4 में ही तो होगा, तो 3 से कम वाले लोग भी इधर ही मिलेंगे, तो मैंने मेरे को ये फंक्शन पकड़ना है। तो मैं पहले क्या करूँगा ना, GOF अब अंदर लिख रहा हूँ फंक्शन के, राइट, मॉड में कितना एक्स की जगह पर 3 minus h minus 3, सोचा आपने? तीन काट दूं, कितना रह गया माइनस एच का h, ये बात आपके पकड़ में आ गई। तो अब आपको अगली लाइन में लिख लेना है GOFH, h को अगर आप में से किसी को खतरा नहीं हो तो 0+h कर दूं, तो फंक्शन में आपको 0+h पे चलना है। फंक्शन fx दिख रहा है आपको, क्योंकि f का फंक्शन है तो f पे जाओगे, f के अंदर 0+ ये 0 से बड़ा नीचे वाला, अरे x ग्रेटर देन 0 है ना, 0 से बड़ा यहां मिलेगा, 0 से बड़ा होता है इसमें आ जाओ, तो मेरे को अपने आप में यहां लिख लेना चाहिए g, सही है, और ब्रैकेट के अंदर f of h का मतलब h³ + 2, सोच लिया आपने, और h की जगह क्या रखना है 0, h की जगह 0 रखते ही 2 आ गया, है ना भाई? लेकिन आपको ये पता होना चाहिए 2 नहीं आया, 2+ something आया, नहीं आई बात, अरे 2+ something है ना, ये 2+ something के लिए फिर अभी जी में आओ, जी में आ गया, 2 से बड़े में कौन सा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाला दिख रहा है ना, 2 से बड़ा, 2 से बड़े में फिर इसमें चला जाऊं, तो इन द लास्ट मेरी जो रीच आ जाएगी वो कहां तक आ जाएगी भाई, मॉड में कितना 2+h - 3, तो फाइनली मेरा आंसर कितना हो गया 1, क्वेश्चन खत्म, सही है? चलिए अगले बार जाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपको सबसे ज्यादा टाइम इसी क्वेश्चन को कॉपी करने में लगेगा, इसलिए प्लीज है ना टाइमली कॉपी कर लेना।
हाँ भाई this function is fx and this is x, ठीक है। मेरे पास में एक्चुअल में क्या है, कोई प्रोजेक्टर वगैरह तो था नहीं कि मतलब मैं आपको इस ग्राफ बना के दिखा देता, क्योंकि जब पेपर आएगा पेपर में तो आपको सामने ही मिलेगा ऐसा। तो जब क्वेश्चन ऐसा आता है ना तो नॉर्मली बच्चे के पास में एक बहुत सही पॉइंट होता है बोलने के लिए, वैलिड पॉइंट, कि सर मैंने कभी जिंदगी में ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा, आपने कभी नहीं कराया, ठीक है ना, हाउ कैन आई डू, मतलब कॉम्प्रिहेंशन में भी है तो बच्चा वैसे ही नहीं पूछता, ठीक है। तो बाकी जगह पे उसका मतलब अब मेरी तरफ जो उंगलियां उठें उसकी जगह बाकी तीनों उंगलियां उसकी तरफ जाएं, मैं ज्यादा सोच रहा हूं भाई, बाकी आप सोच लेना। पहला मैं एक एक करके ऑप्शन उठाऊंगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू वन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर में दे रखा है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है कि नहीं मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू टू, राइट है, ये देखना है अपने को। चलिए बात करते हैं, पहला ऑप्शन मेरे हिसाब से ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया तो लिमिट अंदर नहीं जाएगी, ठीक है, फिर भी देख लेंगे अपन। देखिए ये बात पक्की है कि x की जगह 1 माइनस h, तो मेरे को फंक्शन एफ एक्स में आ जाना चाहिए, ठीक है ना, फंक्शन में अगर मैं 1 पे खड़ा हूं तो 1 पे एग्जैक्टली वैल्यू 1 है, फंक्शन में यहां पे 1 है ना, तो ये, अरे ये रहा ना वन, दिख रहा है आपको, वन से जरा सा भी पीछे होगा तो ये वन माइनस एच आएगा, तो जो वैल्यू आएगी वो वन माइनस एच, माने एक से कम आ रही है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इट इज वन माइनस एच, एक से हल्की सी कम, राइट है, प्लस इस पे आ जाओ। अब जी एक्स पे चलते हैं, लिमिट तो यही काम करेगी, अगर मैं जी एक्स पे खड़ा हूँ तो फंक्शन में मुझे एक्स की जगह पे वन माइनस डालना है, अब मैं जी एक्स में दौड़ता हूँ, जी एक्स ये रहा, राइट है, और जी एक्स में मेरे को एक से कम पे रहना है, जी एक्स ये रहा, अगर मैं एक पे खड़ा हूँ ठीक है ना, तो ठीक एक पर वैल्यू एक है, अरे एक पर एक है, ये रहा, मैं ऊपर क्यों जाऊंगा, यहीं अटक गया ना मेरा, मतलब मैं टॉर्च से लाइट रहेगी यहीं डूब जाएगी, ठीक है, तो अगर देखा था तो वन पे वन है, लेकिन मेरे को तो वन माइनस एच करना है, तो वन माइनस एच करते ही जरा सा इधर से डिफ्लेक्ट हुआ, इसके बाजू से निकल जाएगी रोशनी और यहाँ टकराएगी, यहाँ टकराते ही ये किस पे टकराएगी, टू से हल्का सा कम नहीं है, तो मेरे को यहाँ से पता लग गया इट इज टू माइनस एच, अब मुझे लगता है ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मुझे ऐसा लग रहा है, देखो जरा अगर मान लेता हूं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो राइट नाउ इट इज 3 माइनस 2h, 3 माइनस 2h का मतलब 3 से हल्का सा कम, और 3 से कम होते ही 2, इट्स का मतलब ये सही है, गाड़ी पकड़ में आ गई आपको, नहीं है, है ना, इट इज सही है। मैंने कहा था मेरे को हल्का सा कंफ्यूजन है, क्योंकि ये GIF है या नहीं है वो मैं चेक कर दूंगा। अगला राइट है, क्या आप ऐसा का ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे, है ना, मैं आपको अगर क्वेश्चन दूं तो, है ना, बस आप आराम से करना, इसी का सेकंड पार्ट। हाँ भाई कितने लोगों को बना लिया, आ गया क्या, सही है गलत है, सही है क्या, एक बार जरा दोबारा देख लेते हैं, फंक्शन एफ एक्स में टू प्लस मतलब दो से आगे जाऊं, यहाँ ठहर जाऊं, यहाँ ठहरते इट इज टू माइनस, लिख दूं यहाँ पे तो इट इज टू माइनस एच, प्लस जी एक्स में आता हूँ, जी एक्स में टू प्लस, जी एक्स ये रहा टू प्लस, ठीक टू पर तो टू ही हूँ, सही है, टू प्लस होते मैं नीचे आ रहा हूँ भाई, और यहाँ आते मैं दुनिया को कहूंगा 0 माइनस एच, तो इट इज 0 माइनस एच, सही है भाई, तो ओवरऑल 2 माइनस 2h होते ही इट इज 1, क्योंकि 2 से जरा सा भी कम होते ही 1। अब ये तो क्वेश्चन चलो हो गया, है ना, अपन ने थोड़ा और इस लेवल का क्वेश्चन कर लिया, है ना, अच्छा भी है।
ये दो क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, मतलब ये सोच करके कि मतलब इस लेवल की चीजें अब आपको आनी चाहिए। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट हो गया डिफाइंड फंक्शन तक मैं आ चुका हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप घर से करके लाना, दो आपको दे रहा हूं। fx इज इक्वल टू दिया जा रहा है साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x, x इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू जीरो। मैं आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछूंगा तभी अगला क्वेश्चन दूंगा, नहीं तो अगला क्वेश्चन दूंगा ही नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दूंगा ही तभी जब आप में से कोई मुझे ये बता देगा कि ये कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है डिफाइंड नहीं है। अरे डिफाइंड कैसे पता, क्योंकि डिफाइंड है। एक्स अगर जीरो नहीं तो इसे पकड़े, एक्स अगर जीरो तो इसे पकड़े, हाँ या ना। अच्छा मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ, आर एच एल के लिए किसे पकड़ेंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले को, और एल एच एल के लिए एग्जैक्टली, क्योंकि जीरो नहीं है तब इसी को पकड़ना है, सही है ना। करके जरूर आइएगा। अगला क्वेश्चन इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है ए टू द बार वन बाई एक्स माइनस ए टू द बार माइनस वन बाई एक्स अपॉन ए टू द बार वन बाई एक्स प्लस ए टू द बार माइनस वन बाई एक्स, कब, जब एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। आपको निकालना है वही है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स। ये दो क्वेश्चन तो कर सकते हैं आप, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे अपन, है ना। ये हुए हमारे अब तक फर्स्ट टाइटल एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। अब अपन सेकंड टाइटल पे आते हैं, ठीक है ना। मेथड्स ऑफ लिमिट में सेकंड टाइटल मैंने आपको बताया था फैक्टराइजेशन, याद आ गया आपको, ठीक है। मैथ्स में वैसे लिखने की कोई जगह नहीं होती लेकिन फिर भी लिख लो, ठीक है। इन दिस मेथड वी फैक्टराइज, इन दिस मेथड वी फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, इन दिस मेथड वी फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ एंड कैंसिल द कॉमन टर्म, एंड कैंसिल द कॉमन टर्म देन अप्लाई लिमिट। इन दिस मेथड वी factorize the numerator and denominator both and cancel the common term and then apply limit, है ना भाई। ये जबरदस्त जानकारी आपको मिल गई तो आगे चलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको वो बता रहा हूँ जिसको मतलब आपको समझना है। लिमिट x टेंड्स टू टू, मान लीजिए दिया जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। मुझे जो समझाना है वो समझाने के लिए बस मुझे बहुत जरूरी चीज समझानी है। देखिए साहब ऐसा है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये है, ऐसा नहीं है कि आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, मुझे आपके इस टैलेंट पे पूरा यकीन है कि आप कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ वो बहुत काम की चीज़ है, ठीक है ना। आप सबसे पहले लिमिट के किसी भी क्वेश्चन में जब भी एंटर होंगे सबसे पहले फॉर्म चेक करेंगे, क्योंकि विदाउट फॉर्म यहाँ पे कुछ नहीं होता। एक्स की जगह अगर मैं जीरो रखता हूँ, सॉरी टू रखता हूँ, टू रखती फोर, फोर प्लस टू सिक्स, थ्री टू जा सिक्स माइनस सिक्स जीरो आ गया, राइट है। टू रखिए फोर प्लस सिक्स, फाइव टू जा टेन, तो टेन में से टेन या जीरो आ गया। माने जीरो बाई जीरो पे वैसे तो लॉपिटल लगाना चाहिए, लेकिन लॉपिटल तो बहुत दूर की चीज़ है, लॉपिटल से सारी समस्याएं नहीं खत्म होती, ठीक है। करना क्या है, टू रखने पे जीरो आया, हाँ या ना, ऊपर भी और नीचे भी। अगर टू रखने पे जीरो आया तो 100% एक फैक्टर x माइनस टू है, ऊपर भी और नीचे भी, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, मुझे यही बताना है। टू रखने पे अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब 100% एक फैक्टर कौन है, टू है। लो आपकी किस्मत है ना, क्या चल रहा है ये। अगर भाई देव आपको पता है ना,
टू रखने पे जीरो आता है, तो 100% एक फैक्टर x माइनस टू है ना। अगर x माइनस टू एक फैक्टर है तो ये बात भी पक्की मानिए कि अगर x माइनस टू एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर निकालने के लिए इसको डिवाइड मत करो, सिर्फ दो जनों को घेरो, एक्स स्क्वायर को और कॉन्स्टेंट को। सोचो दिमाग से कि x से क्या मल्टीप्लाई करूँ कि x स्क्वायर हो जाए, x माइनस टू से क्या मल्टीप्लाई करूँ तो प्लस टू आ जाए, माइनस वन फैक्टर आ गए। छोटे क्वेश्चन में मत जाना, बड़े क्वेश्चन में तो ये इतना ईमानदारी से काम करता है कि आप सोच नहीं सकते, राइट है। क्यूबिक वगैरह के अंदर भी तोड़ता जाता है खटाखट खटाखट। सोचो देखो x की जगह पे अपन ने सॉरी टू रखा तो जीरो आया, माने एक फैक्टर x माइनस टू है, दो जनों को घेरना है स्क्वायर को और कॉन्स्टेंट को। x से किसकी मल्टीप्लाई, x माइनस टू से किसकी मल्टीप्लाई, माइनस थ्री, तो ये हटा दूं। अब मुझे x की जगह क्या रखना है, टू, टू रखते इट इज टू माइनस वन अपॉन टू माइनस थ्री, है ना। कल करते हैं इस पर बात और अच्छे से, ठीक है, और अच्छे से करेंगे इस पर बात, ठीक है, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन के साथ।